हेलो, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा, एरेंज की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आज हमारा 7वां नंबर का लेक्चर। अभी तक हमने एरेंज के परिचय, उसके नामकरण, उसमें समावयवता, उसके बाद बेंजीन की संरचना, ये हमने पढ़ ली। और पिछले लेक्चर में बेंजीन के संरचना में हमने विस्तार से पढ़ा था कि किस प्रकार की बेंजीन संरचना, जो केकुले संरचना को दी गई थी, किस प्रकार से संयोजकता बंध सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत के द्वारा उसको प्रामाणिक माना गया था, और कौन सी संरचना हम वास्तव में केकुले संरचना को ही रासायनिक अभिक्रियाओं में काम लेने के लिए क्यों प्रयुक्त करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिकता या एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिक यौगिकों का जो मुख्य गुणधर्म होता है, वह इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, जबकि उनके अंदर असंतृप्तता होती है। इसी तरह से एक विशेष प्रकार का जो अस्थायित्व सॉरी विशेष प्रकार का स्थायित्व जो उसके अंदर होता है, जो कि डबल बॉन्ड या असंतृप्तता होने के बावजूद भी योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति उनको असंवेदनशील बनाता है, तो इस प्रकार के हम पढ़ने जा रहे हैं कि उसका क्या कारण है एरोमेटिकता को। एरोमेटिकता हम ये कह सकते हैं कि पहले शुरुआत में एरोमेटिक यौगिकों से अभिप्राय यह था कि बेंजीन के समान गुणधर्म वाले यौगिकों से होता था, लेकिन बाद में बेंजीन से समान गुणधर्म वाले जो यौगिक हैं उन्हीं को समझाने के अंदर एरोमेटिकता शब्द काम में आता था। ऐसे यौगिक जो हैं एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक यौगिकों से भिन्न प्रकृति के होते थे। बेंजीन तथा इसके संज्ञात यौगिकों का सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म जो है इन निकायों का असामान्य स्थायित्व तथा अक्रिय प्रकृति, इनर्ट नेचर, यह प्रमुख लक्षण एरोमेटिकता से संबद्ध है। बहुत से अन्य चक्रीय निकाय जैसे नेफ्थेलीन, एथिलीन, फिनेन्थ्रीन, फ्यूरेन, पिरिडीन, फिनोलीन आदि, इन सब भी बेंजीन की भांति ही व्यवहार करते हैं। ये सभी निकाय चक्रीय संयुग्मन के कारण स्थायी बन जाते हैं। अतः वह गुण जिसके कारण कुछ यौगिक विशेष रूप से स्थायी बन जाते हैं वह एरोमेटिकता कहा जाता है। तो एरोमेटिकता क्या है? यौगिक का वह गुण जिसके कारण वह विशेष रूप से स्थायित्व प्राप्त करते हैं या स्थायी बन जाते हैं, इस गुणधर्म को एरोमेटिकता कहा जाता है। बाद में कुछ ऐसे यौगिकों का भी पता चला जिसमें बेंजीन वलय नहीं होती है, परंतु एरोमेटिक यौगिकों के समान ही गुणधर्म रखते हैं। इन्हें अबेंजीनिय या नॉन बेंजोनॉइड यौगिक कहा गया। अतः किसी भी यौगिक में एरोमेटिकता तथा एरोमेटिक लक्षण होने के लिए जो गुण होने चाहिए वो ये हैं। नंबर एक, एरोमेटिक यौगिकों में कार्बन परमाणु एक या अधिक समतलीय चक्रीय संरचनाओं में व्यवस्थित रहते हैं। इन चक्रीय संरचनाओं में एकल बंध, द्विबंध एकांतर क्रम में संयुग्मित अवस्था में होते हैं, अर्थात प्लेनर एंड कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए। यूं कह सकते हैं कि जो भी एरोमेटिक यौगिक हैं उनके अंदर कार्बन परमाणु सभी एक तल में होने समतल होने चाहिए, चक्रीय होने चाहिए और एकांतर स्थिति पर एकल बंध और द्विबंध उसमें होते हैं। नंबर दो, इनमें असंतृप्तता होते हुए भी यह असंतृप्त यौगिकों की भांति ऑक्सीकरण तथा योगात्मक अभिक्रियाएं आसानी से नहीं देते हैं। एरोमेटिक यौगिकों का यह मुख्य गुणधर्म है कि डबल बॉन्ड है लेकिन असंतृप्त यौगिकों की भांति ऑक्सीकरण योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते, आसानी से नहीं देते। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत तंत्र होता है, जैसे हमने बताया कि एकांतर क्रम में एकांतर स्थिति पे द्विबंध होते हैं, तो वो जो द्विबंध है वह विस्थानीकृत तंत्र का निर्माण करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकृत तंत्र का। चौथा बिंदु, एरोमेटिक यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सुगमता से प्रदर्शित करते हैं, जो कि संतृप्त यौगिकों का गुणधर्म है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाया जाना भी यह एरोमेटिक यौगिकों का एक लक्षण है। एरोमेटिक यौगिकों के स्थायित्व के लिए हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा, दहन ऊष्मा के वास्तविक मान जो भी होते हैं वह प्रेक्षित मानों से बहुत कम होते हैं, अर्थात इनकी अनुनादी ऊर्जा का मान अधिक होता है, क्योंकि अधिक संख्या में अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी ऊर्जा का मान अधिक होने पर स्थायित्व भी अधिक होगा। यह अनुनाद के द्वारा बेंजोमेटिक यौगिकों के स्थायित्व को जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने इसको देखा था कि हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान वास्तविक मान जितना आना चाहिए, जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सोचते हैं,
उससे बहुत कम आता है। तो ये जो अंतर है यह 25 से 36 किलो कैलोरी, जैसे पिरिडीन पिरोल आदि के लिए 25 किलो कैलोरी प्रति मोल है, जबकि बेंजीन के अंदर ये 36 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। तो अनुनाद ऊर्जा के आधार पर हम कह सकते हैं कि बेंजीन जिसका मान 36 किलो कैलोरी है वह ज्यादा स्थायी है, पिरिडीन पिरोल आदि जिनका की अनुनादी ऊर्जा का मान 25 किलो कैलोरी प्रति मोल है। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिक अनुनादी ऊर्जा का मान होना उसके अधिक स्थायित्व का सूचक है। एरोमेटिक वलय या एरोमेटिक यौगिकों में जो भी वलय है वह हकल के नियमानुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का एक विस्थानीकृत आवेश अभ्र होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक यौगिक चक्रीय होने चाहिए, संयुग्मित होने चाहिए, समतल होने चाहिए, एकांतर स्थिति पे द्विबंध होने चाहिए, अर्थात पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत तंत्र होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगत प्रतिस्थापन अभिक्रिया देना चाहिए, अनुनादी ऊर्जा का मान अधिक होना चाहिए। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हकल के नियम का पालन करना चाहिए। तो हकल ने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का एक नियम दिया, उन्होंने बताया कि किसी भी एरोमेटिक वलय में या किसी यौगिक में जिसके अंदर 4n+2 संख्या में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत आवेश अभ्र अगर उपस्थित है तो ऐसा यौगिक एरोमेटिक यौगिक होगा, और जहां पर n का मान 0, 1, 2, 3 पूर्णांक बताया गया। तो हम हकल के नियम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उसके आधार पर एरोमेटिसिटी को या एरोमेटिकता को समझेंगे। हकल ने जो नियम दिया क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर दिया था 1937 में, एरोमेटिकता ज्ञात करने ना, जिसे हकल का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी समतल चक्रीय संरचना में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत आवेश अभ्र होने पर ही वह संरचना एरोमेटिकता अथवा उच्च अनुनाद ऊर्जा या उच्च विस्थानीकरण ऊर्जा प्रदर्शित करेगी जो कि उसके स्थायित्व के लिए आवश्यक है। अगर किसी यौगिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत आवेश अभ्र उपस्थित नहीं है तो वह एरोमेटिकता नहीं दर्शाएगा, वह स्थायी नहीं होगा। इस नियम से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी यौगिक के द्वारा एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए कार्बन परमाणु की संख्या का कोई मतलब नहीं है, बल्कि पाई इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित संख्या 4n+2 संख्या और तथा उसका विस्थानीकरण होना आवश्यक है। इस नियमानुसार यदि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 6, 10 आदि है तो एरोमेटिक यौगिक होंगे, नहीं तो वह एरोमेटिक यौगिक नहीं होगा। यदि संख्या 4, 8, 12 आदि है तो वह यौगिक एंटी एरोमेटिक यौगिक होंगे। हकल ने आणविक कक्षक सिद्धांत के जो LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोग, इस विधि के द्वारा एरोमेटिक कार्बनिक यौगिकों पर प्रयोग करके यह बताया कि एक आणविक कक्षक निम्नतम ऊर्जा स्तर पर होता है, उसके ऊपर थोड़ी अधिक ऊर्जा के समान मीन्स डी जनरेट ऊर्जा वाले आणविक कक्षक के जोड़े के रूप में रहते हैं। क्योंकि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अतः पहले निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षक में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन उसके ऊपर बाद में चूंकि दो दो के पेयर में रहते हैं, डिजेनरेट स्टेट में वो रहते हैं, तो प्रत्येक में दो दो, इस तरह से चार चार इलेक्ट्रॉन उन कक्षकों में आएंगे। इस कारण से यह नियम 4n+2 संख्या में पाई इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मीन्स सबसे नीचे जो आणविक कक्षक है उसमें 2, और उसके ऊपर के जितने भी बंधी आणविक कक्षा हैं वे हमेशा दो दो के पेयर में होते हैं। तो एक आणविक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे नीचे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके ऊपर जितने भी आणविक कक्षक हैं वो दो दो के पेयर में होते हैं, जिनमें अधिकतम चार चार इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, तो इस आधार पर यह नियम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र का हकल नियम कहलाता है। आगे हम जो सारणी देखने जा रहे हैं उसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन तक के इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, अणुओं की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था दी गई है, जिसमें 4n+2 संख्या पाई इलेक्ट्रॉन वाले केवल 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले बेंजीन संरचना ही है जो कि एरोमेटिक है, जिसमें सभी बंधी आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉन से भरे हुए होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो भी हम आगे इलेक्ट्रॉनिक संरचना यहाँ पे व्यवस्था देख रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे ये 3
तीन सदस्य, ये चार सदस्य, ये पांच सदस्य, छ, सात, आठ, ये वलय अलग अलग आकार की यहाँ पे दिख रही हैं। इनमें डबल बॉन्ड्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अंदर दो पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसके अंदर चार, इसमें चार, इसमें छः, इसमें सात, इसमें आठ। इस प्रकार से यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपको दिख रही है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनका जब बंधी कक्षक का जो निर्माण है, तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि कुल तीन पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n+2। तो तीन पाई इलेक्ट्रॉन में दो यहाँ और एक यहाँ, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर कर दिया जाता है तो यह दो पाई इलेक्ट्रॉन का एक तंत्र बन जाएगा, या धनावेश आ जाएगा इस जगह। तो दो पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र का मतलब यह वाला इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया, तो केवल इलेक्ट्रॉन इस बंधी आणविक कक्षक में ही रहेंगे, विपरीत बंधी में नहीं रहेंगे या अबंधी में नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में यह जो है वह एरोमेटिक यौगिक हो सकता है, यदि यहाँ धनावेश आ जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कम हो जाए तो। ऐसी स्थिति में बंधी आणविक कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ रहेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं चार सदस्य वाले, जिसमें चार पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इनके भरने का सिस्टम दो यहाँ है और दो ऊपर है। इसका मतलब 4n+2 संख्या के अनुसार यह पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र इसमें नहीं है, इसलिए यह एरोमेटिक नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं पांच इलेक्ट्रॉन, इसलिए दो, एक, तीन, चार और पांच इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हम भरते हैं आणविक कक्षकों के अंदर, उनका जो नियम है और अबोह नियम है उसको पालना करते हुए। तो सबसे पहले कम ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले में जाते हैं। छह सदस्य वाले जो हम यहाँ देख रहे हैं, इसके अंदर छह पाई इलेक्ट्रॉन का तंत्र यहाँ दिख रहा है। इसके अंदर कुल हमें छह परमाणविक कक्षकों से छह आणविक कक्षक प्राप्त हो रहे हैं, तीन तो बंधी और तीन अबंधी, तो विपरीत बंधी जिसको हम कहते हैं। तो तीन बंधी कक्षकों के अंदर इस प्रकार से छह इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, कि इसका मतलब सारे के सारे बंधी आणविक कक्षक जो है वह पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, और सारे विपरीत बंधी जो आणविक कक्षक है वह पूर्ण रूप से खाली है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक स्थायित्व इसके अंदर होगा। ये सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो तंत्र है, जो हकल के नियमानुसार इकलौता ये वाला सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का तंत्र जो एरोमेटिक है, इसमें सात इलेक्ट्रॉन है, तो सात इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका विपरीत बंधी में आ गया, यहाँ पे विपरीत बंधी में दो आ गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हकल के नियमानुसार अगर दो पाई इलेक्ट्रॉन का तंत्र है, छह पाई इलेक्ट्रॉन का तंत्र है, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन का, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन का, तो वही तंत्र पाई इलेक्ट्रॉन वाला तंत्र वह एरोमेटिक होगा। विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें बेंजीनी और अबेंजीनी यौगिक दोनों प्रकार के हैं। यदि एन का मान 0 है, तो 4n+2 नियम के अनुसार कुल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होनी चाहिए। तो ऐसा दो पाई इलेक्ट्रॉन वाला तंत्र तीन सदस्य वाले संरचना साइक्लोप्रोपीन धनायन हो सकती है, क्योंकि साइक्लोप्रोपीन में कुल तीन पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि दो बंधी आण्विक कक्षक और एक विपरीत बंधी कक्षक में होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देने पर दो इलेक्ट्रॉन वाला साइक्लोप्रोपीन धनायन बन जाता है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वह, यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर साइक्लोप्रोपीन दो और एक तीन होता है, एक आपने बाहर निकाल दिया तो ये धनायन बन जाता है। तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन और वो दोनों के दोनों बंधी आणविक कक्षक में ही रहते हैं, विपरीत बंधी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। साइक्लोप्रोपीनियम आयन जो बनता है वो अनुनादी संरचनाएं भी इस प्रकार से देता है, और इसका ये अनुनादी संकर इस प्रकार से यहाँ बनाया बताया गया है। तो हम ये कह सकते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम साइक्लोप्रोपीनियम आयन है वह एरोमेटिक है। साइक्लोप्रोपीनियम आयन को डाइफेनिल साइक्लोप्रोपीनियम परक्लोरेट या डाइप्रोपिल साइक्लोप्रोपीनियम परक्लोरेट के रूप में, डाइफेनिल या डाइप्रोपिल इनके परक्लोरेट के रूप में इसको विलगित भी किया गया है, जो ये बताते हैं कि यह धनायन इस प्रकार से स्थायित्व है, जिसको विलगित किया जा सकता है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त नया उदाहरण जो है साइक्लोब्यूटाडाईन द्विधनायन है। साइक्लोब्यूटाडाईन के अंदर जैसे कि हम ये कहते हैं कि चार सदस्य वाले, जिसमें एकांतर क्रम में दो डबल बॉन्ड रहते हैं, लेकिन कुल पाई इलेक्ट्रॉन संख्या चार होती है। यदि दो युग्मित इलेक्ट्रॉन बंधित दो आणविक जो अबंधी कक्षक में होते हैं, दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो कि अबंधी कक्षक के हैं, उनको यदि हम बाहर निकाल देते हैं, त्याग दिया जाता है यदि यौगिक के द्वारा, तो केवल दो पाई इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, और दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जो है वह बंधी आणविक कक्षक में रहेंगे।
और इस प्रकार से जो हमें निकाय मिलेगा वो साइक्लोब्यूटिल नाइल द्वि धनायन प्राप्त होता है। साइक्लोब्यूटिनाइल द्विधनायन एक स्थायी लवण टेट्राफेनिल साइक्लोब्यूटिनाइल फ्लोरोबोरेट के रूप में प्राप्त किया जा सका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइक्लोब्यूटिनाइल डाइकेटायन जो है वह एरोमेटिक होता है। यदि एन का मान वन है, यदि एन का मान वन है तो हकल के नियमानुसार 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला निकाय होगा, और ऐसे स्थिति में दो संभावना बनती हैं, 5 सदस्यीय वलय जिसमें समचक्रीय विषम चक्रीय, और 6 सदस्यीय वलय जिसमें भी समचक्रीय और विषम चक्रीय यौगिक हो सकते हैं। तो 5 सदस्यीय वलय के अंदर जो संरचना है उसके अंदर साइक्लोपेंटाडाइनाइल ऋणायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल ऋणायन जो है उसकी यहाँ पे ये संरचना आपको बता रखी है, जिसके अंदर आप ये देखें कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, और एक तो इसके पास था और एक एक्स्ट्रा हमने और दे दिया इसको, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, तो कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर बन जाते हैं। अब इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज इन पाई बंद के माध्यम से विस्थानीकृत होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, और यहाँ से फिर जब यहाँ आगे आएगा तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें कुल 5 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ऋणावेश प्रत्येक कार्बन परमाणु पर जाता है, और इसका अनुनादी संकर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल ऋणायन 5 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 2 यहाँ 3 4 और 5, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन में एक एक्स्ट्रा दे दिया हमने तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ऋणायन हो गया, तो इस प्रकार से 6 पाई इलेक्ट्रॉन का तंत्र बन जाता है, और 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन बंधी आण्विक कक्षक में विद्यमान रहते हैं, इस प्रकार से अत्यधिक स्थायित्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल ऋणायन जो है वह भी एरोमेटिक है, लेकिन बेंजीनीय नहीं है, अबेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक होता है, इसको पोटेशियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड लवण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। 5 सदस्यीय विषम चक्रीय निकाय, इसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्यूरेन थायोफिन पिरोल, जैसे ये फ्यूरेन थायोफिन पिरोल जिसमें 2 और 2 4 मतलब 2 डबल बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो विषम परमाणु उपस्थित है उनका जो लोन पेयर है वह भी एरोमेटिक षष्टक बनाने में भाग लेता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विषम परमाणु का जो लोन पेयर है या असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है वह निकटवर्ती पी कक्षक से अतिव्यापन करके एरोमेटिक षष्टक बनाने में सहयोग करता है। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा था, यहाँ पे इस स्थिति पे यदि हम विषम परमाणु को मान लें तो इस प्रकार हमें संरचना मिलती है, इसको आप यहाँ समझ सकते हैं कि कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए इस प्रकार का हमें बंधी आण्विक कक्षक के विन्यास प्राप्त होगा, जिसमें 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन बंधी आण्विक कक्षकों में रहते हैं, इसलिए विषम परमाणु युक्त 5 सदस्यीय वलय वाले ये यौगिक पिरोल थायोफिन फ्यूरेन आदि ये सभी भी एरोमेटिक यौगिक हैं। अगला उदाहरण है 6 सदस्यीय वलय जिसमें समचक्रीय विषम चक्रीय दोनों प्रकार के यौगिक हो सकते हैं। समचक्रीय 6 सदस्यीय उदाहरण बेंजीन, जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है, बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं ऐसी हैं, ये आपके सामने हैं। लेकिन इसी की तरह विषम चक्री जो वलय है, विषम चक्री यौगिक जिसको हम पिरिडीन का उदाहरण के द्वारा यहाँ समझ सकते हैं, इस वलय में बेंजीन वलय में यदि एक कार्बन के स्थान पर विषम परमाणु नाइट्रोजन जुड़ जाता है तो बाकी इस प्रकार के द्विबंध वहीं रहते हैं, और इन संरचनाओं इस प्रकार के जो संरचना मिलती है वह पिरिडीन की अनुनादी संरचनाएं यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही हैं। पिरिडीन में 3 डबल बॉन्ड के द्वारा 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वह एरोमेटिक षष्टक बनाने में भाग नहीं लेता है, अपितु नाइट्रोजन के सामान्य संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन षष्टक बनाने में भाग लेता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि पिरिडीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत तंत्र होने के कारण यह भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का है और एरोमेटिकता दर्शाता है, अतिरिक्त स्थायित्व दर्शाता है। 7 सदस्यीय वलय में उदाहरण आपके सामने है ट्रोपिलियम आयन का। ट्रोपिलियम धनायन जो है वह इसमें वैसे ट्रोपिलियम के अंदर साइक्लोहेप्टाट्राईइन जिसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं और कुल
कोई धनावेश नहीं होता है, सातवां इलेक्ट्रॉन पी इलेक्ट्रॉन होता है। यदि उसको अगर बाहर निकाल देते हैं, त्याग दिया जाता है इसके द्वारा, तो 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का विलोपन करने पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का जो स्थानीय निकाय, स्थायी निकाय साइक्लोहेप्टा ट्राइईन धनायन, जिसको ट्रोपिलियम आयन कहते हैं, वह प्राप्त होता है। और इसके अंदर भी सभी 6 इलेक्ट्रॉन बंधी आणविक कक्षकों में ही रहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइक्लोहेप्टा ट्राइईन जो है, इसके देखिए अनुनादी संरचना और उसकी बंधी और विपरीत बंधी कक्षकों का विन्यास यहाँ बता रखा है। 6 इलेक्ट्रॉन सभी बंधी कक्षकों में रहते हैं, कोई भी विपरीत बंधी या अबंधी में नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साइक्लोहेप्टा ट्राइईन या ट्रोपिलियम आयन जो है वह एरोमेटिकता को दर्शाता है। साइक्लोहेप्टा ट्राइईन धनायन या ट्रोपिलियम आयन को इस प्रकार से 1,2-डायहाइड्रोक्सी ट्रोपिलियम क्लोराइड या हाइड्रोक्सी ट्रोपिलियम क्लोराइड के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसको ट्रोपिलियम ब्रोमाइड के रूप में भी प्राप्त किया जाता है। N=0, N=1, हकल 4N+2 नियम के अंदर ये दोनों केस हमने डिस्कस कर लिए। यदि N का मान 2 है, उन वाले उदाहरण को हम देख रहे हैं कि यदि N का मान 2 होता है तो 4N+2 निकाय के अनुसार, नियम के अनुसार 10 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत तंत्र बताने वाला चक्रीय यौगिक एरोमेटिकता प्रदर्शित करेगा। इसका सामान्य उदाहरण हम समझ सकते हैं नेफ्थलीन के द्वारा, जो एरोमेटिकता प्रदर्शित करता है। तो नेफ्थलीन के अंदर 2 बेंजीन रिंग आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं इस प्रकार से, और 10 कार्बन का और 5 डबल बॉन्ड का इस प्रकार से एक तंत्र बनाती जो कि समतल है। ये द्विबंध जो है वो अपनी स्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं और इस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं हमें यहाँ देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन का तंत्र है, इन 10 पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर जब हम इसके आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कुल 5 बंधी और 5 विपरीत बंधी कक्षक आणविक कक्षक हमें प्राप्त होते हैं। 5 बंधी आणविक कक्षकों में यह 10 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर जाते हैं और विपरीत बंधी पूर्ण रूप से खाली रहती है। तो चूंकि बंधी आणविक कक्षक पूर्ण रूप से भर जाती है, इसलिए यह स्थायित्व और एरोमेटिकता को दर्शाता है। साइक्लो ऑक्टा टेट ट्राइनिल द्वि ऋणायन यह भी अबेंजनीय यौगिक है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। 4 तो डबल बॉन्ड्स के द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में पोटेशियम के साथ क्रिया कराने पर इस प्रकार का ऋणायन होता है जो कि एरोमेटिकता प्रदर्शित करता है। इसके अंदर साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन की जब हम अभिक्रिया पोटेशियम के साथ कराते हैं, साइक्लो ऑक्टा टेट्राएनाइड बनता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में। तो हम ये कह सकते हैं ये जो यौगिक बना, इसके अंदर साइक्लो ऑक्टा टेट्राएनाइल जो ऋणायन है, द्वि ऋणायन है, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है जो कि नेफ्थलीन की भांति 5 बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उसके विन्यासित रहते हैं, इसलिए यह अतिरिक्त स्थायित्व देते हुए नॉन बेंजोनाइड या अबेंजीनीय एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। अन्य उदाहरण साइक्लोनोना टेट्राइनिल ऋणायन और एजुलिन है जो कि एरोमेटिकता प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका साइक्लोनोना टेट्राइनिल, इसके अंदर 9 सदस्यीय वलय है जिसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और हमने यहाँ पे दे दिया। इस प्रकार से ये साइक्लोनोना टेट्राइनिल ऋणायन। एजुलीन के अंदर 1 7 मेंबर्ड और 1 5 मेंबर्ड रिंग आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है और इसके अंदर 5 डबल बॉन्ड्स इस प्रकार से स्थानीकृत रहते हैं, एक दूसरे के साथ संयुग्म बंध में रहते हैं और 5 डबल बॉन्ड से मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन बंधी आणविक कक्षकों में स्थानीकृत रहते हैं। इस प्रकार से यह अतिरिक्त स्थायित्व को दर्शाता है। एजुलिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं, 7 सदस्य 5 सदस्य वाले जुड़ी ही रहते हैं, दोनों मिलाकर के 10 पाई इलेक्ट्रॉन का निकाय बनाते हैं, एरोमेटिकता प्रदर्शित करते हैं। 7 सदस्य वलय से यदि 1 इलेक्ट्रॉन का 5 सदस्य वलय में स्थानांतरण होने पर द्विध्रुवी संरचना भी प्राप्त हो सकती है जो कि इस प्रकार से होती है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हकल के नियम का पालन करते हुए उच्चतर निकाय जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 से अधिक, जैसे 14, 18, 22, 26 आदि अगर हैं, तो
तो उनको भी हम इस प्रकार से आसानी से समझा सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनके अंदर 4n+2 संख्या में पाई इलेक्ट्रॉन जैसे 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 आदि अगर उपस्थित हैं तो वो एरोमेटिकता या अतिरिक्त स्थायित्व क्यों दर्शाते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।